आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा दिल्ली में तलब, राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष इस्तीफे पर अड़ा। पश्चिम बंगाल में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मामला आया सामने, 7 वर्षीय बच्चा हुआ संक्रमित। पंजाब में टोल प्लाजा नहीं हुए हैं चालू, रेट बढ़ाने के विरोध में किसान संगठन धरना हटाने को से इनकार। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन पकड़ रहा है रफ्तार, क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर जारी किए गए आदेश। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अयोध्या पहुंचे जेपी नड्डा, कहा करोड़ों भारतीयों का सपना हो रहा है। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। पौड़ी गढ़वाल में 2022 चुनाव को लेकर जिला मजिस्ट्रेट व निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगडंडे की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार पौड़ी में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद स्तरीय सभी संबंधित अधिकारियों को विस्तार से जानकारी दी गई। जिलाधिकारी डॉक्टर जोगडंडे ने संबंधित नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी चुनाव को लेकर गंभीरता से कार्य का निर्वहन करें। वहीं उन्होंने कहा कि कैश रिलीफ कमेटी मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में बनाई जाएगी। उन्होंने संबंधित नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया कि विधानसभा वार गठित टीमों की बैठक करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने इस मौके पर प्रति विधानसभा में 6 उड़न दस्ता टीम बनाने की भी बात कही। वहीं कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग में तैनात संविदा कर्मचारियों ने दिन रात ड्यूटी कर कोविड के मरीजों की देखरेख की। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड सरकार इन संविदा कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार करने पर आमादा है। दरअसल पूरा मामला भगवानपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी के लोग पिछले 1 हफ्ते से धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि हरियाणा की तर्ज पर हमारा ग्रेड और अन्य मांगे पूरी होनी चाहिए, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम सरकार बनाना भी जानते हैं और सरकार को बिगाड़ना भी। साथ ही साथ कर्मचारियों ने बताया कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से मांग को लेकर सकारात्मक वार्ता हो चुकी है, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य निदेशक को मामले में शीघ्र निपटारा करने के आदेश भी दे दिए हैं। दूसरा हमारा है कि हमारा जो आउटसोर्सिंग है ये बंद किया जाए, ये जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो काम हो रहा है ये शोषण किया जा रहा है हम कर्मचारियों का, जो हमें संडे में भी छुट्टी नहीं मिलती जो, ठीक है। अब सरकार से विनती ये है कि वो हमारी मांगों का निराकरण करें, ठीक है, जिससे हमें हमारा धरना खत्म हो। अगर सरकार ऐसा काम नहीं करती है तो हम जो है भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। सर अगर डॉक्टर ही भूखा रहेगा, अगर मान लिया उसको जो है मतलब 8,000-7,000 की का वेतन मिलेगा, तो वो डॉक्टर क्या करेगा, क्या करेंगे बच्चे, उसके बच्चे क्या करेंगे। जो जिस समय हम लोग लगे थे उस समय हमारी तनख्वाह 8,000 थी, अब उस समय पेट्रोल का रेट था 45 रुपये और इसमें पेट्रोल का रेट है 97 रुपये, अब हम क्या करेंगे। इस समय हमारी तनख्वाह 16-17 हज़ार है, अब देख लीजिए हम अपना भरण पोषण कैसे करें। अपनी मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार अभी तक हमारे विषय में कोई जाग नहीं रही है। अभी भी हमें लगता है कि सरकार हमारे लिए सो ही रही है, लेकिन सरकार को ये नहीं पता है कि महिला अपना हक मांगने के लिए कहां तक पहुंच सकती है। सरकार बना भी सकते हैं और सरकार बिगाड़ भी सकते हैं। हमारी 2 सूत्रीय मांग है, एक तो हरियाणा की तर्ज पर हमारा ग्रेड पे लागू किया जाए और दूसरा आउटसोर्सिंग को बंद करके हमें NHM में समायोजन किया जाए, ठीक है। सरकार से हमारी यही मांग है, अगर नहीं सरकार हमारा कहना मानती तो हम अपने संगठन के साथ लगातार इसी तरह अपने भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे, क्योंकि हमें अभी अपने बच्चों को जवाब देना पड़ता है कि हम किस तरह अपना भूख पालन। तपोवन घाटी का एक ऐसा गांव जिस गांव का नाम गंगा पार बग्यूल गांव है, इस गांव के लोग बिना पुल के ही दूसरे गांव में जाने को इस वक्त मजबूर है। बता दें कि 7 फरवरी तपोवन के पास NTPC विद्युत परियोजना में जनसैलाब आया। जनसैलाब ने तपोवन NTPC से लेकर रेडी ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट में भारी तबाही मचाई थी। बड़ी बात तो यह है कि आज इस घटना को 9 महीने से अधिक का समय भी बीत चुका है। उस तबाही में गंगा पार बग्यूल गांव तक जाने वाला मुख्य पुल जनसैलाब में बह गया था और अभी तक
पुल नहीं बन पाया है। स्थानीय ग्रामीण जान जोखिम में डालकर अपने गांव तक पहुंचने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। यहां तक कि यहां के ग्रामीण कह रहे हैं कि गांव के बच्चे विद्यालय के लिए तपोवन तक जाते हैं, जिन्होंने बिना पुल में जाने में काफी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा है। चंद्र सिंह कन्याल, ग्राम बंगियों से आपके चैनल के माध्यम से सरकार को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि यथाशीघ्र हमारे पुल का निर्माण कार्य का टेंडर वगैरह यथाशीघ्र हो इस पे, और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं ग्रामवासियों की तरफ से और समस्त ग्रामवासी और मैं अपनी तरफ से ये आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने के लिए हम यथाशीघ्र तैयार हैं। हाल तपोवन क्षेत्र का निवासी हूँ। देखिए, जहाँ तक भंगियोल गांव वाली बात है, वहाँ पर बैराज क्षतिग्रस्त है, उसके ऊपर तमाम कीचड़े उसके ऊपर है, दलदल भरा हुआ है। ऐसे में स्कूल के बच्चों की आवाजाही के लिए वहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बुजुर्गों को 80-80, 85-85 साल के बुजुर्ग पता नहीं जान हथेली में रख के किस हिसाब से उस रास्ते से जा रहे हैं। भगवान वही धनौरी में एक गरीब परिवार को ओम ग्रुप के चेयरमैन मुनीश सैनी के द्वारा आर्थिक सहायता में 21,000 रुपए की धनराशि दी गई। आपको बता दें कि धनौरी में कोरोना महामारी में गरीब परिवार में रहने वाला मोनू कुमार की कोरोना के दौरान मौत हो गई थी, जिसमें ओम ग्रुप कॉलेज के चेयरमैन व वरिष्ठ भाजपा नेता मुनीश सैनी के द्वारा आर्थिक सहायता की बात कही गई थी, जिसके बाद अब 21,000 रुपए की धनराशि परिवार को वितरित की गई। आप बता दें, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का आदमी नेता नहीं होता, हम तो सिंपल से कार्यकर्ता होते हैं, काम करने का हमारी जो है दूसरी बात ये है कि एक हमारा मोनू भाई था यहाँ पर, जो हमारा मोनू भाई था, उस भाई की जो हो कोरोना में डेथ हो गई और बड़ी समस्या का उसकी जो चीज़ है उसको समस्या का सामना करना पड़ रहा था। चार छोटे छोटे बच्चे हैं उसका, तो बड़ी समस्या हो रही थी। उसी के सापेक्ष अभी जब मैं कैंप में आया, कैंप में मेरे को देखने को मिला, बैंक से मुझे मिलने का सौभाग्य मिला, तो उसको मैं अपने होम सोशल एंड वेलफेयर ट्रस्ट जो हमारा है उस ट्रस्ट के माध्यम से उनको एक बहुत छोटा सा मेरी तरफ से भेंट दी गई 21,000 रुपये। उन्होंने मेरे से 11,000 की बात की थी, तो मैंने 21,000 रुपये की उनको अपने ट्रस्ट से एक अनुदान दिया है, जो नगद धनराशि के रूप में उनको हमारे द्वारा दिया गया है, जिससे उन बच्चों के लिए जो विधानसभा पिरान कलियर के गांव धनौरा में 5 वर्ष गुजर जाने के बाद भी संपर्क मार्ग अभी भी खस्ता हाल में पड़ा हुआ है। पानी की निकासी न होने के कारण सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है और सड़क पर पानी भरा हुआ है। कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए गांव में संक्रमण फैलने का खतरा अब बनता दिखाई दे रहा है। बता दें कि सरकार के द्वारा विकास के बड़े बड़े दावे इस वक्त किए जा रहे हैं, पर धरातल पर ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है। सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया है, लेकिन इस ओर ना तो अब सरकार ना ही कोई भी प्रशासन का अधिकारी ध्यान दे रहा है। गांववासियों ने निर्माण का प्रस्ताव भी शासन प्रशासन को भेजा है, लेकिन समय गुजर चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने इस पूरे मामले में सुध नहीं ली। कलियर के गांव ग्राम पंचायत धनौरी में वरिष्ठ भाजपा नेता मुनीश सैनी के निवेदन से एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम सरकारी विभागों के संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया है। शिविर में सैकड़ों पात्र लाभार्थियों ने भाग लिया और अपने अपने प्रमाण पत्र बनवाए हैं। बता दें कि ओम बॉय ग्रुप के चेयरमैन मुनीश सैनी ने जिलाधिकारी हरिद्वार को पत्र के द्वारा अवगत कराया था कि कलियर विधानसभा के क्षेत्र में लोगों के प्रमाण पत्र व अन्य डॉक्यूमेंट बनवाने में उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद जिलाधिकारी ने मुनीश सैनी के पत्र पर संज्ञान लिया और विधानसभा में 4 बहुउद्देशीय शिविर लगाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। वहीं हरिद्वार में विधानसभा ज्वालापुर में कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रहे भूप सिंह ने कहा कि राहुल गांधी की रैली को लेकर हर किसी में उत्साह है और उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ देहरादून में होने वाली कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की रैली को सफल बनाने के लिए एक बैठक की। भूप सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार की 5-6 साल की विफलताओं से प्रदेश की जनता में भारी आक्रोश है और राहुल गांधी की रैली में विधानसभा ज्वालापुर से हजारों की संख्या में जनता जो है वो देहरादून पहुंचेगा।
कालाजोगी विधानसभा से प्रदेश महासचिव के नेतृत्व में क्षेत्र से लगभग 500 से 600 कार्यकर्ता देहरादून में होने वाले विजय दिवस के रूप में शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें कि विजय दिवस ऐतिहासिक रैली को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी संबोधित करने वाले हैं। कालाजोगी विधानसभा से ही 5 दर्जन से अधिक गाड़ियां देहरादून के लिए निकल चुकी हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इस रैली के लिए काफी उत्साह इस वक्त देखने को मिल रहा है। कांग्रेसी नेता महेश नेगी ने बताया कि कल का दिन हमारे देश के लिए ऐतिहासिक दिन होने वाला है। कालाडोंगी विधानसभा क्षेत्र से लगभग 500-600 कार्यकर्ता है, 600 के करीब कार्यकर्ता आज और कल में देहरादून विजय दिवस के ऊपर जो कांग्रेस पार्टी ने रैली रखी है उसको माननीय हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल जी संबोधित करने वाले। उसमें अभी हमारी यहाँ पर कम से कम 5 दर्जन से अधिक गाड़ियाँ यहाँ से रवाना हो रही हैं और कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है। और कल का दिन हमारे लिए एक वैसे भी ऐतिहासिक है। 1971 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी जब हमारी प्रधानमंत्री थी और पाकिस्तान के अंदर घुस करके देश दुश्मन देश के 2 टुकड़े किए थे और हमारे हजारों हजार सैनिकों ने वहाँ पर जिस बहादुरी के साथ मुकाबला किया, कल उन बहादुर सैनिकों को पूरे देश के पूर्व सैनिकों को वर्तमान सैनिकों को नमन करने का दिन है। उनको जो हमारे रुड़की के चकबंदी विभाग में धांधली के मामले में कार्यवाही न होने पर एक भाजपा नेता आत्मदाह करने के लिए तहसील कार्यालय पहुंच गया। वहां पर पुलिस को तैनात देख भाजपा नेता पेड़ पर चढ़ गया, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने भाजपा नेता को पेड़ से उतारने की काफी कोशिश की। बता दें कि हरिद्वार के कनखल निवासी जगजीवन राम ने चकबंदी के बंदोबस्त अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें बताया गया था कि बेलडा और कुछ गांव में चकबंदी प्रक्रिया में धांधली की जा रही है, जिसमें कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं की। वहीं मामलों में कार्रवाई न होने पर जगजीवन राम ने 15 दिसंबर को चकबंदी के बंदोबस्त अधिकारी कार्यालय पर आत्मदाह करने की चेतावनी दी। कुछ साल पहले 6-7 साल पहले भी इन्होंने कुछ आवेदन किया होगा, उस पर कुछ कार्रवाई हुई थी लेकिन उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। इनका ये कहना था कि जो ज़मीन है वो चक था, जब न्यायालय में चला तो वो चक इन्होंने हाईवे की तरफ दे दिया किसी और का और उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। जांच ऑलरेडी SDM लेवल पर बैठा दी गई थी। इन्होंने अभी दिसंबर में पहले हफ्ते में इन्होंने एक आवेदन पत्र दिया था, उसके रिस्पेक्ट में SDM लेवल पर जाँच बैठा दी गई थी। SDM इज ऑल्सो एन SDM ऑफिसर, साथ में हमने उसमें और भी हमारे अधिकारियों को इन्वॉल्व करा था। जांच अभी गतिमान थी। अब जांच जो ये इसकी रहती है, इन्होंने SDM साहब ने 17 तारीख को सारे उनके जो रिकॉर्ड थे वो तलब किए थे लेकिन उसी बीच इन्होंने ये बोल दिया कि 15 तारीख को हम करेंगे। उसके रिस्पेक्ट में SDM साहब ने इनसे 2-3 बार बात भी करी थी तो ये सेटिस्फाइड फील कर रहे थे लेकिन फिर भी क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका है। वहीं नई टिहरी में उत्तराखंड जन एकता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में निर्वाचन आयोग भारत ने चुनाव चिन्ह आवंटित किया। उत्तराखंड जन एकता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष तथा पूर्व पर्यटन मंत्री दिनेश ने चुनाव चिन्ह गैस का सिलेंडर का हजारों समर्थकों के बीच विमोचन किया। चुनाव चिन्ह विमोचन के अवसर पर ऋषिकेश विधानसभा सीट से उम्मीदवार कनक धने भी वहां पर मौजूद रहे। वहीं केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश धने ने कहा कि चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर को घर घर दूर दूर तक पहुंचाया जाएगा। कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप मिला है और ये जनता को और कार्यकर्ताओं को समर्पित है और आज से कार्यकर्ता इसको लेकर जन जन तक अपने चुनाव चिन्ह को पहुंचाएगा और जो हमारी भावी रणनीति है उसको अमलीजामा पहनाएगा। हम जितने भी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हमारे पास आज हमारी एक पहचान जो राजनीतिक दलों की एक अपनी पहचान होती है वो पहचान भी हमको मिल चुकी है। इस पहचान को लेकर हम पूरे मोबाइल में इस चुनाव चिन्ह का जो परचम है वो लहराएंगे और हमारे जितने प्रत्याशी हम चुनाव लड़ाएंगे वो चुनाव जीतकर हमारी इस जो चुनाव चिन्ह है इसकी शान बढ़ाएंगे और जनता की सेवा में ये सिलेंडर का जो चुनाव चिन्ह है ये जन सुख के और जनता के सुख दुख में शामिल रहेगा और जनहित के मुद्दों को ऊपर रखते हुए ये काम करेगा। केंद्र व राज्य सरकार के असंगठित क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स व लघु व्यापारियों को सामाजिक सुरक्षा दिए जाने के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा के संयोजन में स्ट्रीट वेंडर्स व लघु व्यापारियों को ही श्रम
कार्ड वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपश्रम आयुक्त मधु नेगी चौहान के द्वारा लगभग 500 लाभार्थियों को जागरूक करते हुए ई श्रम कार्ड का वितरण किया गया। का उद्घाटन मैंने श्रम मंत्री डॉक्टर रक्षण रावे जी से शिविर लगाया था, उसका कराया था, लेकिन संख्या हमारी लगभग 5000 से ऊपर पार कर गई है और लगातार अभी आप देखेंगे 3 महीने से हमने मेरा कार्यक्रम मैंने ये चला रखा है। तमाम CSC सेंटरों को साथ लेकर जो है तमाम जितना हमारा असंगठित क्षेत्र का रेड़ी पटरी वाला है उनके बीच जाकर, क्योंकि अमूमन अवेयरनेस की थोड़ी सी कमी होती है रेड़ी पटरी वाले के अंदर, उसको बताना पड़ता है। ई श्रम कार्ड बनने के बाद जब पोर्टल पर चला जाएगा तो उसका डाटा बेस बन जाएगा, भारत सरकार पर चला जाएगा, तो जो भावी योजना है राज्य सरकारों की या केंद्र सरकार की कि उसका सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा में बहुत चीज़ें आती हैं, मेडिकल फैसिलिटी आती है सामाजिक सुरक्षा के अंदर, सामाजिक सुरक्षा के अंदर उसको जो है राज्य सरकार की भारत सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उसके अंदर कैसे समाहित किया जाए। अभी तक निर्माण श्रमिकों के लिए POCW के अंतर्गत स्कीम चलाई जा रही थी, लाभ वितरित किए जा रहे थे और वो भी असंगठित क्षेत्र के लिए ही एक योजना थी, लेकिन उससे केवल निर्माण श्रमिक ही आवर्त हो पा रहे थे। उसके अलावा जो भी असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं उनको सरकार की मंशा ये है कि उन सबको लाभ और उनके सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए, इस मंशा के साथ सरकार ने ये रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम शुरू किया है। एक ये केवल स्टेट लेवल पर नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में ये कार्यक्रम चल रहा है और आने वाले समय में इनको सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जितने भी कार्यक्रम हैं उनसे आवर्त किया जाएगा और भिन्न भिन्न प्रकार के लाभ जो भी समय समय पर सरकार निर्धारित करेगी प्रदान किया जाएगा। आगामी 17 और 18 दिसंबर को अल्मोड़ा में आजीविका महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव में CM पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत करेंगे। किसानों, पशुपालक व्यवसायियों और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को लुभाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आजीविका महोत्सव में विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, विभागीय अधिकारी, ट्रेनर सहित तमाम गाँव से लाभार्थी हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। खास बात यह है कि कार्यक्रम के माध्यम से सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। शिफन कोर्ट से बेघर हुए लोगों की ओर से एक होटल के सभागार में पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि मसूदी विधायक की तरफ से शिफन कोर्ट के लोगों को गुमराह किया जा रहा है और यह केवल चुनावी शगुफा है। बताया गया कि 1.5 साल पूरे होने के बावजूद भी कोर्ट के निवासी आज भी बेघर हैं, जबकि 15 दिन के भीतर उन्हें आवास मुहैया कराए जाने की बात की गई थी। शिफन कोर्ट संघर्ष समिति के संयोजक प्रदीप भंडारी ने बताया कि 500 लोगों को बेघर कर दिया गया, जबकि आज तक उन्हें आवास मुहैया नहीं कराया गया। उन्होंने मसूरी विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि गरीब और दलित लोगों के साथ छलावा किया गया। देखिए जी, मैं शिपन कोर्ट की ओर से भी और संपूर्ण मसूरी विधानसभा की ओर से एक बात कहना चाहता हूं कि जो गणेश जोशी हैं, जो विधायक हैं यहां पर पिछले 10 साल से, उन्होंने 10 साल में मसूरी विधानसभा में विनाश ही विनाश किया है, विकास कुछ नहीं किया है। उनकी एक योजना आज तक मसूरी में ये नहीं है जिसे कि गणेश जोशी या भाजपा कह सके कि हमने कोई काम किया है। कोई भी एक ऐसी स्कीम मसूरी में आज उनकी ओर से नहीं आई है। उन्होंने अगर किया है तो केवल मसूरी के जो दलित, गरीब और रिक्शा मजदूर हैं उनके घर उजाड़ने का काम किया है। ये मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में पहली बार हुआ जहाँ 500। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।